दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि दोस्तों थंडर वीपीएन एप्लीकेशंस क्या है और आप उसे अपने फ़ोन में कैसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप भी थंडर वीपीएन एप्लीकेशंस को अपने फ़ोन में यूज करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जो देखना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशंस ओपन करनी है और सिंपली यहाँ पर आपको सर्च बार में सर्च करना है थंडर वीपीएन। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे आपके सामने वीपीएन एप्लीकेशंस आ जाएगी, इस वीपीएन एप्लीकेशंस को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपकी एप्लीकेशंस ओपन करनी है। दोस्तों जैसे एप्लीकेशंस ओपन करेंगे यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एक वीपीएन एप्लीकेशन है जहाँ से आप अलग अलग कंट्री के यहाँ पर सर्वर ऐड कर सकते हैं, अपने फ़ोन में वीपीएन कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री का सर्वर ऐड करने के लिए क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा ऊपर की तरफ फुटबॉल का। सिंपली आपको फुटबॉल ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अलग अलग कंट्री का सर्वर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप जिस किसी कंट्री का सर्वर ऐड करना चाहते हैं उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपके सामने जो वीपीएन रहेगा वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट होते ही आपका वेबसाइट में ऐड आएगी, ऐड को क्लोज करना है। दोस्तों जैसे ही ऐड को क्लोज करेंगे यहाँ पर आपका वीपीएन रहेगा वो यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। दोस्तों उसके बाद में इस वीपीएन को डिसकनेक्ट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिसकनेक्ट का। सिंपली आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर से ऐड आएगी, ऐड को क्लोज करते ही आपका जो भी वीपीएन रहेगा वो यहाँ पर आपके फोन में डिसकनेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा वीपीएन यहाँ पर डिसकनेक्ट हो चुका है। दोस्तों इस प्रकार आप भी थंडर वीपीएन एप्लीकेशंस को अपने फोन में इस प्रकार ऐप यूज कर सकते हैं। दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और दोस्तों आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दो ताकि मैं अगला कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।